वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ आईटीआई वाले बच्चों के लिए और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। भाई देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना करियर नौकरी के बेस पर बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका सेल हो गया, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DRDO हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गया, ISRO हो गया। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई तो समझिए कि आपका करियर जो है अच्छी दिशा में जा रहा है, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट जो है सिलेक्शन बहुत मुश्किल से करते हैं। तो भाई देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है इसका फॉर्म जरूर फिल करें, बाद में डिसाइड करना कि आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है नहीं करना। वैसे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसमें सिलेक्शन होना, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ये सारी चीजें देखी जाती है, और हाइट और वेट का भी क्राइटेरिया इसमें रखा जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक चीज आपको समझा दूंगा, पूरा क्राइटेरिया समझा दूंगा। वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है। देखो भाई, इसमें आपकी दो प्रोफाइल है, एक तो आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जिसमें 126 पोस्ट है, और एक आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जिसमें आपकी 30 पोस्ट है। जो यहां पर आप देख रहे हैं ये डिसिप्लिन, ये तो आपका मैकेनिकल हो गया, ये आपका ये इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उसके बाद केमिकल, सिविल, और जो है ये आप देख सकते हैं। बाकी ये वाली जो है आईटीआई वालों के लिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टनर, वेल्डर और मशीनिस्ट, सीएनसी वाला। तो भाई इन्होंने आईटीआई वाले बच्चों के लिए ये नहीं बोला कि कितनी परसेंटेज चाहिए, डिप्लोमा वालों के लिए बोल रखा है परसेंटेज का क्राइटेरिया, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। आपने SCVT से किया है, NCVT से किया है, आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब जो है आपको वहां पे क्राइटेरिया दिखेगा। आई थिंक नहीं दिखेगा, आप जो है अप्लाई कर दो। यहां पर अभी आपको प्रॉपर जानकारी में दे देता हूं, यहां तक कि आपको फॉर्म भी सेग्रीगेट करके मैंने दे दिया है, तो फॉर्म भी आप इजीली फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लेकिन भाई आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वीडियो के नीचे लाल वाला बटन और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि इस तरीके की जानकारी जो है आपसे गलती से भी मिस ना हो। बढ़ते हैं आगे। तो भाई लास्ट डेट मैं आपको पहली अपडेट कर दूं, 14 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। लोकेशन पॉसिबिलिटी भाई देखो वेस्ट बंगाल है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप फॉर्म को फिल करें, रिटर्न एग्जाम होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो तैयारी आपको करने पड़ेगी। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जनरल और OBC के लिए की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है उसके लिए 250 रुपये, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है उसके 150 रुपये। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं है। एज लिमिट 18 से 28 साल आपकी एज रखी हुई है, जो आपकी लास्ट डेट है इसके बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। रिलैक्सेशन भी आपको एज में दिया जाएगा, जैसे कि हमेशा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप पोस्ट मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दिया, उसके अलावा जो है यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन पहले मैं आपको ITI की बताता हूँ, फिर डिप्लोमा की बताऊंगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट के नाम से जो है यहाँ पर ITI वाले बच्चों को रखा जाएगा, जिसमें आपको 10वीं पास होना है, और 10वीं के साथ जो है आपका ITI इन ट्रेड में से, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, टनर में, वेल्डर में, मशीनिस्ट में, इनमें से एक में होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से प्राइवेट नहीं चलेगा, तो ध्यान रखना इस बात को। अब बात करता हूँ डिप्लोमा वालों की। डिप्लोमा के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन क्या रखिए, मैट्रिकुलेशन एंड 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ओपन से नहीं चलेगा, कॉरेस्पोंडेंस से नहीं चलेगा। किस में? मैकेनिकल में, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है और भी है, देख सकते हैं आप, ये मैंने पीछे आपके लिए रिपीट कर दिया। मिनिमम परसेंटेज 50 रखी हुई है, 50% के बेस पर आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे कम है तो आपको इन कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा, क्योंकि SC ST PWD वालों के लिए 40% का परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। देखो भाई, सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है इस डिपार्टमेंट में। पहले साल आपको 10,700 रुपये इस पोस्ट के लिए दिए जाएंगे, दूसरे साल 12,200, और फिर जो है ITI के लिए देख सकते हैं 8,600, और फिर सेकेंड ईयर 10,000। ये जो है आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसके बाद जो है आपकी सैलरी उसी तरीके की कर दी जाती है जिस तरीके की हर एम्प्लॉय को वहाँ पर पेमेंट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी आपको नोटिफिकेशन में समझा देता हूँ। बढ़ते हैं भाई नोटिफिकेशन की ओर। तो भाई ये इसका नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखना। पोस्ट वाइज अगर आपको देखना है यहाँ पर किस किस के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो ये आप देख सकते हैं। ये हो गए डिप्लोमा वालों के लिए, और ITI वालों के लिए देख सकते हैं। इसमें भाई आपकी बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड है, पहले सुनना, जो पिछले साल भरी नहीं थी वो भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपके क्लियर कर दी वो आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। एज मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम 28 साल आपकी रखी हुई है, मिनिमम 18 साल है। यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एज में, और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं पे स्केल आपका कितना होगा, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर दूसरा होगा, ये आपका पे स्केल है।
उसके बाद जो है ये कुछ बेनिफिट्स आपको अलग से दिए जाएंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और फिर जो है आपको पक्का कर दिया जाएगा, कर ही दिया जाता है, क्योंकि भाई देखो ऐसे डिपार्टमेंट है कि आप अगर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो पूरे प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख लें, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको रिटर्न एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 1/3 ये बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स जो है आपके जुड़े नहीं होंगे। और फिर जो है आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट का क्राइटेरिया इसमें आपका क्या रखा हुआ है आप देख सकते हैं, हाइट आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए भी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। वेट की बात करें 45 केजी, लड़कियों के लिए 35 केजी, ये मेल का ये वाला जो है। उसके बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेडिकल प्रोसेस भी होता है, मेडिकल प्रोसीजर भी जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। ये भाई देखो आपको एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आपको पोस्टिंग देंगे। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड आप पढ़ सकते हैं, 1 साल का आई थिंक आपसे बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। बॉन्ड क्या होता है ये अभी आपको समझाता हूँ। बॉन्ड क्या होता है कि कंपनी ना आपको अपने साथ बांध लेती है ताकि जो है कंपनी को आप छोड़ के ना जाए, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना कंपनी को तो उनको लॉस होता है कंपनी को, तो इस वजह से ये पहले ही आपसे बॉन्ड साइन करवा लेंगे। लेकिन बच्चा खुशी खुशी बॉन्ड को साइन कर देगा, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन थोड़े मुश्किल होते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। हाउ टू अप्लाई कुछ नहीं करना, अभी जो है मैं आपको एक पाथ दूंगा, पाथ पर जो है आपको डायरेक्टली जाना और वहाँ से अप्लाई करना है। ये जो है हाउ टू अप्लाई का थोड़ा सा प्रोसेस है, इसे आप पढ़ लेना। तो ये एक बार हाउ टू अप्लाई आप पढ़ लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। और भाई जिन बच्चों को हमारा मेंबर बनना है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर आप जो है मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करें, मैं जो आपसे बात करूँगा फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाऊँगा। अब मैं आपको पूरी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ ताकि आप इजीली जो है लिंक पर पहुँच जाओ, नोटिफिकेशन और जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो भाई ये वेबसाइट है, हमारी ही वेबसाइट है, www.onlineandofflinegyan.com। तो नीचे मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर भी लिखी हुई है, जिनको वीडियो के माध्यम से देखना है वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और जिनको यहाँ पर थ्योरिटिकल पार्ट से देखना है वो जो है यहाँ से देख सकते हैं, जिनको रीड करके देखना है। तो ये जो है आपके पाथ है, नीचे हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है, और एक जो है मैं अभी चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ये आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है इसके लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली जो अपना फॉर्म फिल कर लेना, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर जानकारी आई थिंक मैंने दे ही दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन बस अब एक बार आप डाउनलोड करके देख लेना। सो आई होप दोस्तों मैंने जो है आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कोशिश करें कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की, या फिर एक प्रोसेस मैंने आपको कॉल मी फॉर ऐप से कॉल करने का भी बता रखा है, उससे भी कर सकते हैं। सो बस यही बोलूँगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो है आपको आने वाली अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद।